एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर यह कि भिवंडी क्राइम ब्रांच को मिली एक बड़ी सफलता। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि डकैत चोरी जैसे मामलों की जो सिलसिला है भिवंडी शहर में थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन भिवंडी क्राइम ब्रांच की टीम सतर्क होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में हम आपको बता दें कि आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन पुलिस आयुक्तालय थाने शहर गुना शाखा भिवंडी यूनिटी 2 की ओर से रखा गया, जिसमें हम आपको बता दें कि पत्रकारों को जानकारी देते हुए सब पुलिस आयुक्त एनके कदम, किशन गुलमी भिवंडी अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत और पुलिस निरीक्षक अशोक मनमाने ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्या काम को जरूर सुनाएंगे। वहीं पर डकैती की बात की जाए तो 8,90,000 का केबल, तो वहीं घरफोड़ी में 7,07,000 कैश, 7,29,243 ग्राम का सोने, 1,00,000 रुपए के 3 गाड़िये, 15,36,000 के घरफोड़ी के मामले प्रकाशित हुए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि 16 गुना दाखिल है इन 12 आरोपियों के ऊपर, जिसमें से हम आपको बता दें कि एक पिस्तौल, 5 कारतूस और वहीं एक देसी कट्टा जिसमें 10 कारतूस के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम ने इन आरोपियों को, इन डकैतों को धर दबोचा है। वहीं पर जानकारी देते हुए माल भक्त की बात की जाए तो पूरा जो ये रकम है 24,26,000 बताई गई है। ऐसे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सब पुलिस आयुक्त एनटी कदम ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। जैसे अपने भिवंडी के यूनिट 2 ने क्राइम ब्रांच के करीब 3 क्राइम जो है मेजर क्राइम के अंदर कुछ आरोपी उनको हिरासत में लिया, उसमें सबसे पहला क्राइम मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ अपने को वेपन बरामद अपन ने किए, उसमें एक देशी पिस्टल आपको हमको मिला है, उसके बाद देशी कट्टा हमको मिला है, उसके साथ में उसके जो लाइव राउंड है वो भी अपने को मिले हैं, कम से कम 15 लाइव राउंड अपने को मिले हैं। ऐसा अपन ने जो राजनोली नाके के ऊपर कुछ लोग आने वाले थे, ये अपने को इन्फॉर्मेशन मिला था अपने भिवंडी के राउत साहब, उनकी जो टीम है कदम साहब और गवल साहब के अंडर में उन्होंने जो काम किया, उनके साथ में यहाँ के यूनिट के जो अपने कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा उसके ऊपर ट्रैप लगाया और उसको हिरासत में लिया। उसके तरफ से अपन ने जब उसकी अपन ने सर्च किया तो सर्च के अंदर अपने को ये वेपन मिला और ये जो एक्यूज था वो वांटेड, यानी उसके ऊपर नवी मुंबई के अंदर कुछ क्राइम रजिस्टर था, तो अपन ने उनको भी बताया कि ऐसा हमने आपका जो क्राइम उसके ऊपर रजिस्टर है उसके बारे में भी अपन ने नवी मुंबई को बताया। ये एक अपना क्राइम हो गया। दूसरा एक है कि अपन ने एक गिरोह पकड़ा था जिसके अंदर हाउस ब्रेकिंग उन्होंने किया था, करीब 8 हाउस ब्रेकिंग के केसेस अपने को मिले, उसके साथ में ही उनके तरफ से अपन ने कुछ टू व्हीलर बरामद किए और एक रिक्शा बरामद किया, उसमें 5 अपन ने टू व्हीलर और एक रिक्शा बरामद किए, करीब अपन ने उसके अंदर 7,00,000 के ऊपर एक कैश अपन ने बरामद किया है और मुझे लगता है कि अपन ने उसके अंदर ज्वेलरी जो है वो भी 243 ग्राम जो ज्वेलरी है वो भी अपन ने जब्त किए, उसके अंदर करीब उसका भी रेट 7,50,000 के आसपास उसका भी जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो है, करीब अपन ने 1,00,000 के आसपास जो व्हीकल है उसका कीमत अपन ने बराबर किया है। ऐसा अपन ने करीब 15 से लेकर 16 तक का माल अपन ने जब्त किया हुआ है। और एक तीसरा सबसे बड़ा जो क्राइम था जो डेकोटी हुई थी मानकोली के अंदर, जो एक फायर केबल का एक कंपनी था, उसके अंदर जो वॉचमैन थे वो वॉचमैन को बांध के कुछ 7-8 लोगों ने रॉबरी किया था, तो अपने जो यूनिट के जो राउत साहब हैं उनकी जो टीम ने खाली 17 घंटे के अंदर वो आरोपी को, अपन ने मुंबई से 3 आरोपी को हिरासत में लिया था, उसके बाद अपन ने इन्वेस्टिगेशन किया तो करीब उसके अंदर अपन अभी तक अपन ने 7 आरोपियों को अपन ने अभी तक हिरासत में लिया हुआ है। ये सब ठीक है, बोलिए बताए मैंने ये सब वारदात को अंजाम देने में कितना समय लगा सारे? ये तो कैसा है, ये तो अभी उन्होंने कैसा रेकी किया ये अपना इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसके अंदर अभी जो डेकोडी है वो अलग टीम अपनी उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसके बाद में हाउस ब्रेकिंग उसके लिए अपनी अलग टीम है जो काम कर रही है, उसके साथ में जो भी अपन ने जो वेपन पकड़े उसके लिए भी अपनी अलग टीम काम कर रही है, तो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बाद अपने को पता चलेगा कि ये उनका मकसद क्या था।
और इन्होंने कब कब ये सब चीज़ों को अंजाम दिया और कब ब्रेकिंग किया, ये अपना इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने को। सर ये संयुक्त ऑपरेशन जो हुआ है, जो संयुक्त ऑपरेशन किया है, इसमें कितने आरोपी पकड़े गए हैं और अभी तक करीब अपन ने उसके अंदर 20 आरोपी को अपन ने 12 आरोपी को अपन ने पकड़ा है। 12 आरोपी को ये पूरे वारदात को अपन ने पकड़ा। सर जिनके पास ये गन जो मिली है, दो गन है, उनको किसी गैंग से या किसी से नहीं, अपना इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बाद अपने को पता चलेगा कि ये कहा किस लिए इसने लाया है, यहाँ पर किसको देने के लिए लाया था, ये भी अपना इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर क्या लगता है 12 आरोपी के अलावा और भी आरोपी इसमें हो सकते हैं? पक्का हो सकता है, ये अपना इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बाद जो भी मिलेंगे उसको भी अपन जो भी है लीगल कार्रवाई अपनी करेंगे। ये आरोपी साथी हैं या ऐसे? नहीं बिल्कुल, कुछ आरोपी के ऊपर इसके पहले भी एक क्राइम रजिस्टर है, एक उसमें बैतुला नाम का एक आरोपी, उसके ऊपर करीब 20 से 25 इसका पहले भी क्राइम रजिस्टर है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।